दर्शकों, आज हम आपको अपनी इस यात्रा में सतोपन की ओर ले चलते हैं। सतोपन का यह सफ़र सत्य के पथ की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इस यात्रा में चलने से पहले यात्री बद्रीनाथ पहुंचते हैं, जो कि सड़क मार्ग द्वारा ऋषिकेश से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। सतोपंत यात्रा भूपैकुंठ बद्रीनाथ से आरंभ होती है। इस यात्रा में आपको गाइड व पोर्टर की मदद लेनी पड़ती है। बद्रीनाथ से सतोपंत की कुल दूरी लगभग 25 किलोमीटर की है। आइए आज हम आपको वसुधारा, लक्ष्मीवन, सहस्त्रधारा, चक्रतीर्थ, सतोपंत व स्वर्गारोहिणी तीर्थों की यात्रा करवाते हैं। माना जाता है कि यह यात्रा वही कर सकता है जिस पर नारायण की असीम कृपा हो। सर्वप्रथम यह यात्रा 5 पांडवों ने की थी, लेकिन स्वर्गारोहिणी तक केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही पहुंच पाए थे। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माता मूर्ति का मंदिर है। माता मूर्ति धर्म की पत्नी है और भगवान नर नारायण की माता है। यात्री यहाँ आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे एक छोटी पगडंडी के एक तरफ पहाड़ और दूसरी ओर कल कल नाद करती माँ अलकनंदा का संगीत के साथ यात्री आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए यात्री आनंदवन पहुँचता है। चारों ओर फैली मनमोहक फूलों की सुगंध से यात्रा और भी मनोरम हो जाती है। यात्री का हृदय आनंद से झूमने लगता है, इसीलिए इसे आनंदवन कहा जाता है। आनंदवन के पास ही अलकनंदा के साथ साथ चलते एक छोटा ग्लेशियर भी पार करना पड़ता है। इसके बाद मार्ग हरा भरा हो जाता है और लक्ष्मीवन तक चढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है। आनंदवन से आगे चलते हुए अलकनंदा की दूसरी तरफ हमें वसुधारा के दर्शन होते हैं। हवा के झोंकों के साथ जब वसुधारा की पावन धारा धरती पर उतरती है तो दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य पाखंडी व पापी हो उस मनुष्य पर इसका जल नहीं गिरता। आगे कथा कहती है कि देवऋषि नारद ने अष्ट वसुओं के सामने बद्रीनाथ की इतनी प्रशंसा की कि अष्ट वसु यहाँ आकर तपस्या करने लगे और उन्होंने यहाँ 30,000 वर्ष तक तपस्या की और नारायण के दर्शन किए। यही वसुधारा वह स्थान है जहाँ पर अष्ट वसुओं ने तपस्या की थी। वसुधारा से आगे चलते हुए यात्री चमतौली बुग्याल में पहुँचता है। यह बुग्याल कई तरह के सुंदर फूलों से पटा रहता है। आगे चलकर पत्थर के बोल्डरों का 1 किलोमीटर का मार्ग तय करना पड़ता है। बोल्डर पार करते ही सुंदर मखमली घास का एक सुंदर मैदान आ जाता है, जिसे लक्ष्मी वन कहते हैं। लक्ष्मी वन की समुद्र तल से ऊंचाई 3,650 मीटर की है। यहाँ पर भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि पूर्व काल में ऋषि मुनि इन्हीं भोजपत्र की छाल पर पुराण लिखते थे। कहा जाता है जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर थे तो नकुल यहीं तक जा सका था और उसने यहीं अपना शरीर त्याग दिया था। स्वर्गारोहण यात्रा का पहला विश्राम दिवस भी लक्ष्मी वन ही है। यहाँ आसपास रुकने को गुफाएं भी हैं।
लक्ष्मी वन के बाद दो घाटियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक घाटी अलकापुरी को जाती है और दूसरी घाटी सतोपंत स्वर्गारोहिणी की ओर जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अलकापुरी को कुबेर यक्ष और गंधर्वों का निवास माना जाता है। यह अलकापुरी यक्षों के स्वामी धन के देवता कुबेर की नगरी है। महाभारत में इसी नगरी का उल्लेख यक्षों की नगरी के रूप में आता है। स्वर्गारोहिणी की ओर जाने वाली घाटी के साथ साथ ही पगडंडी से होते हुए यात्री सतोपंत की ओर प्रस्थान करते हैं। अगली मंजिल सहस्त्रधारा के लिए लक्ष्मी वन से 4 किलोमीटर का मार्ग तय करना पड़ता है। इसके बाद यात्री सहस्त्रधारा पहुंचता है। यहाँ का दृश्य इतना मनमोहक और पावन होता है कि यात्री अपनी पूरी थकान भूल जाता है। शायद ही संसार में ऐसा दृश्य कहीं देखने को मिले। सहस्त्रधारा के पास ही अलकापुरी और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती माँ अलकनंदा का दर्शन भी होता है। कहा जाता है कि 5 पांडवों में से सहदेव इसी स्थान तक पहुंच पाया था और सहस्त्रधारा में ही सहदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया था। सहस्त्रधारा का इलाका पार करने के लिए 2 किलोमीटर पत्थरों के बीच में से होकर निकलना पड़ता है और थोड़ा आगे सहस्त्रधारा के आखिर में घास का सुंदर मैदान भी आता है, जहां आपको चारों ओर रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। अब यात्री नीलकंठ पर्वत के पीछे एक तलवारनुमा पहाड़ी पर चलकर चक्रतीर्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे जैसे यात्री चक्रतीर्थ की ओर आगे बढ़ता है, उसे कई जगह पानी की धाराएं पार करनी पड़ती हैं। सहस्त्रधारा से 5 किलोमीटर चलने के बाद सामने बहुत ही मनमोहक मैदान दिखाई देता है। चारों ओर फूलों से भरा यह मैदान किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। चक्रतीर्थ की समुद्र तल से ऊंचाई 4,100 मीटर है। चक्रतीर्थ में आकर ही अर्जुन की यात्रा समाप्त हो गई थी और कहा जाता है अर्जुन ने इसी स्थान पर अपना देह त्याग दिया था। चक्रतीर्थ में कुछ गुफाएं भी हैं। यात्री अपनी यात्रा का दूसरा रात्रि विश्राम यहीं पर करता है। चक्रतीर्थ के ठीक सामने एक पहाड़ी की धार आती है। इसी धार को पार करने के बाद यात्री उस पार निकलता है।
चक्रतीर्थ के आगे की चढ़ाई बहुत दुर्गम है। चक्रतीर्थ की चढ़ाई पार करते ही हमें सतोपंत और स्वर्गरोहिणी दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसके बाद बड़े बड़े पत्थरों वाला मार्ग आता है, जहाँ पर ग्लेशियर के ऊपर एक के बाद एक पत्थरों को पार करना पड़ता है। यह रास्ता साधारण नहीं है, यह सारा रास्ता ग्लेशियर में से होकर गुजरता है। तकरीबन 3 किलोमीटर ऐसे ही रास्ते पर चलना होता है। रास्ते में कहीं कहीं भीषण गर्जना के साथ ग्लेशियर टूटते हुए भी दिखाई देते हैं। 3 किलोमीटर का कठिन मार्ग पार करने के बाद यात्री सतोपंत पहुंचता है और सामने ही त्रिकोण रूप में बहुत ही सुंदर झील दिखाई देती है और यात्री यह दृश्य देखकर अपने रास्ते की सारी थकान और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। इतना स्वच्छ कांच के समान हरे रंग का जल का दर्शन कर यात्री का मन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। सतोपंत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4,600 मीटर पर है। कहा जाता है कि पांचों पांडवों में भीम सतोपंत तक ही जा सका था और यहीं पर भीम ने अपना शरीर त्याग दिया था। सतोपंत झील न सिर्फ धार्मिक लिहाज से बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से भी विश्व के पर्यटन मानचित्र में दर्ज है। चौखंबा शिखर की तलहटी में बसा यह उत्तराखंड के सुरमय झीलों में से एक है। इस पवित्र धार्मिक झील से जुड़ी कई कथाएँ प्रचलित हैं। सतोपंत का अर्थ है सत्य का पथ। एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। स्वर्गारोहण यात्रा में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही इस झील में स्नान करके आगे स्वर्गारोहिणी की तरफ जा पाए थे। इस झील के त्रिभुजाकार होने के पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन इस झील के तीनों कोनों में स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी को यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सतोपंत झील, बालाकुंड पर्वत, चौखंबा और स्वर्गारोहिणी का विहंगम दृश्य भी प्रदान करती है। सतोपंत झील सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग क्षेत्र भी है। हिमालय की गोद में स्थित इस झील तक पहुंचने का रास्ता बेहद ही कठिन है, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान आपको हिमालय क्षेत्र के कई ऊंचे नीचे क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है। सतोपंत झील के समीप में कुछ गुफाएं भी हैं, जहां पर साधक अपनी साधना में लीन रहते हैं।
दूसरे दिन जो यात्री स्वर्गरोहिणी जाने के इच्छुक हों वो स्वर्गरोहिणी की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वर्गरोहिणी वही स्थान है जहाँ से धर्मराज युधिष्ठिर ने सशरीर स्वर्गरोहण किया था।